हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 12 स्टूडेंट्स. दिस इज योर नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस. और इस वीडियो में हम चैप्टर 1 मैनेजमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे. ठीक है जी, एक तो क्लासेस और लेंगे इस चैप्टर की, फिर ये चैप्टर ओवर हो जाएगा. इसमें हमारे पास अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस पढ़े हैं. 3 क्वेश्चन में से सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का क्या डेफिनेशन पढ़ाया था, याद करो फटा बच्चे. What is the definition of management? It means to make work done by others. दूसरों से काम कराने को management कहते हैं. एक चीज और सिखाई थी उस time पे कि खुद काम करना is very easy, but किसी और से काम करवाना is very complicated. क्योंकि जब आप किसी और से काम करवाते हो तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है कि वो आपके लिए efficiently काम करे, effectively काम करे. तो इन सब चीजों का ध्यान देना पड़ता है. तो इट इज वेरी मैनेजमेंट वर्ड तभी आता है जब आपको किसी और से काम करवाना होता है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक पढ़ाया था फीचर्स. फीचर्स में सबसे पहला फीचर पढ़ाया था गोल ओरिएंटेड. गोल ओरिएंटेड में पढ़ा था कि मैनेजमेंट हेल्प्स टू अचीव आवर गोल्स. इट इज कंटिन्यूअस, कभी एंड नहीं होता है. परवेसिव, इट एग्जिस्ट एवरीवेयर. ठीक है जी. उसके बाद हमारा इनटेंजिबल, मैनेजमेंट विजिबल नहीं है, उसके रिजल्ट्स विजिबल होते हैं. डायनामिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. ग्रुप एक्टिविटी, एक सिंगल पर्सन का मैनेजमेंट नहीं होता है, ग्रुप का मैनेजमेंट होता है. और मल्टी डायमेंशनल, की मैनेजमेंट वर्क का भी होता है, पीपल का भी होता है और रिसोर्सेज का भी होता है. और इसी टॉपिक में क्वेश्चन और था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. तो क्या समझाया था, एफिशिएंसी मीन्स जब कोई रिसोर्सेज की वेस्टेज ना करे, और इफेक्टिवनेस मीन्स जब कोई टाइम की वेस्टेज ना करे. कभी कभी यह होता है कि आप जल्दी जल्दी में काम करते हो तो रिसोर्सेज वेस्ट होते रहते हैं, बट काम टाइम पे पूरा हो जाता है. तो इट मींस कि आपने टाइम पे काम पूरा कर दिया, मींस आप इफेक्टिव तो हो लेकिन आप एफिशिएंट नहीं हो. कभी कभी क्या होता है कि आपने करा डिले लेकिन आपने रिसोर्सेज बिल्कुल वेस्ट नहीं करे. तो आप एफिशिएंट हो लेकिन आप इफेक्टिव नहीं हो. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ाया था नेचर. आई होप यू रिमेम्बर नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमारे पास 3 तरीके के नेचर्स हैं, आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आर्ट में क्या हमने डिक्लेयर किया था कि मैनेजमेंट इज फुल फ्लेज आर्ट. साइंस में क्या डिक्लेयर किया था कि मैनेजमेंट इज इम्प्योर साइंस. और प्रोफेशन में ये डिक्लेयर किया था मैनेजमेंट इज इन पाथ ऑफ बिकमिंग प्रोफेशन. सबका पहला पॉइंट सेम था, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. उसके बाद हमने बोला कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज के बाद आया था हमारे पास कि आर्ट में भी, आर्ट मैनेजमेंट की तरह कैसे है, आर्ट में भी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो उतनी ज्यादा क्रिएटिविटी बढ़ती है. ठीक है जी. और एक और था, आर्ट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. आर्ट की भी स्किल्स पर्सन टू पर्सन वेरी करती है. साइंस में पहला सेम था सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, फिर दूसरा था प्रिंसिपल. साइंस के प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट से बने हैं, हमारे एक्सपीरियंस से बने हैं, उनके यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, हमारे यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं है. इम्प्योर साइंस, फुल फ्लेज आर्ट, क्लियर है. और प्रोफेशन में भी एक पॉइंट था प्रोफेशनल एसोसिएशन. हर प्रोफेशन के अंदर, एसोसिएशन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, बट हमारे यहाँ ऑप्शनल है. तो इसीलिए उनके सब में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हमारे यहाँ नहीं होते हैं. वो सब अपने बच्चों को अपना प्रोफेशन ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट हम लोग कर सकते हैं. तो मैनेजमेंट इज इन पाथ ऑफ बिकमिंग प्रोफेशन. 3 नो थे, एक यस था, लेकिन जो तीनों नो थे वापस में इंटरकनेक्टेड थे. तो मैंने आपको कहा था कि अगर एक यस हो गया तो बाकी के भी सारे यस हो जाएंगे. क्लियर है, डन. आगे बढ़ जाऊं, ये हमारा बिजनेस का बहुत स्लो चल रहा है चैप्टर, तो हम फटाफट से 3-4 टॉपिक्स बचे. 2 टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करेंगे और 2 टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो. अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, वट आर दी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. अब एक चीज को बहुत ध्यान से समझना, ट्राइंगल आपको दिख रहा है, नाम भी दिख रहे होंगे बोर्ड पे. बेसिकली क्या है कि जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तब हम सब लोगों को, जो भी लोग मैनेज करेंगे, ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैनेजमेंट किया जाएगा, है ना. ग्रुप मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. तो मान लो कि आपका जो एम्प्लॉयज है, वो आपके जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं, वो सारे एम्प्लॉयज लैक्स में है. अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि रिलायंस के एम्प्लॉयज लैक्स में है, तो अगर रिलायंस के एम्प्लॉयज लैक्स में है तो क्या एक अकेला बंदा मैनेजमेंट कर सकता है? आंसर इज नो. क्या 10 लोग मिलके मैनेजमेंट करेंगे? मतलब 10 से तो ज्यादा ही लोग मिलके मैनेजमेंट करेंगे, क्योंकि 1,00,000 लोगों को संभालना 10 लोगों के बस का भी नहीं है. ठीक है, तो एक टीम तैयार की जाएगी जो मैनेज करेगी 1,00,000 लोगों को. ठीक है जी. तो उस टीम में क्या सब लोग एक ही लेवल पे होंगे?
जैसे आपके स्कूल में आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हो और आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैनेज करने के लिए स्कूल वालों ने टीचर्स हायर कर रखे हैं, तो जब टीचर्स हैं आपको मैनेज करने के लिए तो प्रिंसिपल की क्या जरूरत है? क्वेश्चन। और अगर प्रिंसिपल सर है या प्रिंसिपल मैम है तो मैनेजमेंट की क्या जरूरत है ऊपर, जो मतलब जो कि प्रिंसिपल सर से भी ऊपर एक मैनेजमेंट कम होती है आपकी, जो और भी जो मतलब जिनके रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन आपके स्कूल के प्रिंसिपल कर रहे हैं, दैट इज योर और ऊपर प्रिंसिपल सर से भी ऊपर। तो ऐसा क्यों है? मतलब तीन लेवल पे लोग हैं और तीन लेवल के लोग स्टूडेंट्स को संभाल रहे हैं। एग्जैक्टली, मेरी बात समझ आती है? तो क्या समझाना चाहते हैं कि टीचर्स जो हैं, एक एग्जाम्पल के लिए अभी हटा देंगे, जो आपके टीचर्स हैं वो इस लेवल पे है। एग्जाम्पल, जो आपके टीचर्स हैं वो इस लेवल पे आते हैं, जो आपके प्रिंसिपल सर हैं वो इस लेवल पे आते हैं, और जो आपकी कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी है, जो उससे भी ऊपर होती है वो यहाँ से आती है, जो प्रिंसिपल को भी अपॉइंट करके भेजती है वो यहाँ आती है। क्या समझ आया? ये समझ आया कि कभी भी अगर, अच्छा इससे नीचे कौन आता है? टीचर्स के भी नीचे एक आते हैं, ऑपरेशनल लेवल के भी नीचे आते हो आप स्टूडेंट्स। ऐसे मैनेजमेंट किया जाता है। अब संभालना किसको है? स्टूडेंट्स को। इन्हीं लोगों को तो मैनेज करना है मुझे, ये देखो इन्हीं लोगों को तो मैनेज कर रही हूँ, लेकिन इन लोगों को मैनेज करने के लिए जो ऊपर वाले लोग हैं, हम ये जो ऊपर वाले लोग हैं, ये है या ये है या ये है, हम इन सबको एक लेवल पे नहीं रख सकते। तो हमने कुछ लोगों को टॉप लेवल पे रख रखा है, कुछ लोगों को मिडल लेवल पे रख रखा है और कुछ लोगों को ऑपरेशनल लेवल पे रख रखा है, लेकिन मिलके सब लोग मैनेज किसको कर रहे हैं? स्टूडेंट्स को। मैनेज सब स्टूडेंट्स को ही कर रहे हैं, बट सब लोग स्टूडेंट्स को ही मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बेटा जी कुछ लोगों को टॉप लेवल पे रखा जाता है, जो कि बहुत सबसे बड़े सबसे सीनियर पोस्ट के लोग होते हैं, कुछ लोगों को मिडल लेवल पे रखा जाता है और कुछ लोगों को ऑपरेशनल लेवल पे रखा जाता है, जिससे कि तीन लेवल पे मैनेजमेंट को किया जाए। अब स्टूडेंट्स को डायरेक्टली कौन संभालेंगे? टीचर्स। अगर टीचर्स को कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो कहाँ जाएंगे? प्रिंसिपल सर पे। अगर प्रिंसिपल सर को कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो कहाँ जाएंगे? मैनेजमेंट कमेटी पे। और उससे ऊपर कोई नहीं होता है ना, ऐसे देश में भी तो ऐसे ही होता है, देश में भी ऐसे होता है। एक सिटीजन को प्रॉब्लम आती है तो आपके पास सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट होती है लोकल लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट के बाद आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बात सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेसिडेंट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा होता है हर जगह, जहां पे भी मैनेजमेंट की जरूरत है। अब 125 या 130 करोड़ लोगों को संभालने के लिए मैं सिर्फ एक एक बंदे को अपॉइंट ही कर सकती हूँ, ठीक है सिर्फ मोदी जी 130 करोड़ लोगों को संभालेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर 130 करोड़ लोगों को संभालना है तो मुझे अलग अलग लेवल्स बनाने पड़ेंगे मैनेजमेंट के, कि ये छोटा लेवल है स्टेट गवर्नमेंट, ये उससे थोड़ा सा बड़ा लेवल है सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर इनकी बात भी नहीं चलती तो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ जगह पे प्रेसिडेंट ऊपर है, कुछ जगह पे सुप्रीम कोर्ट ऊपर होता है, तो उसके बाद वो है डन। और इसी चेन में हम 130 करोड़ लोगों को संभालते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं उनको हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। क्लियर है? तो ऐसे करके देश को बांटा हुआ है ना, इसलिए तहसील्स भी है, तहसील्स भी होती है हमारे यहाँ पे, कुछ तहसील में काम कराया जाता है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास जाया जाता है, तो अलग अलग लेवल्स पे मैनेजमेंट को किया जाता है। सिर्फ एक ही इंसान ना ही तो एक कंपनी को मैनेज कर सकता है और ना ही पूरे देश की जनता को मैनेज कर सकता है, तो हमें इसको अलग अलग लेवल्स पे करना पड़ता है। क्लियर है? तो जो लोग सबसे ऊपर होते हैं वो टॉप लेवल के लोग होते हैं, जो उसके नीचे होते हैं वो मिडिल लेवल के लोग होते हैं, और जो उसके नीचे होते हैं वो ऑपरेशनल लेवल के लोग होते हैं, और जो उसके भी नीचे होते हैं वो एम्प्लॉयज होते हैं। एक चार्ट और देती हूँ आपको, कहाँ गया? चलिए एक चार्ट और बनाते हैं हम आपके लिए, आप भी साथ साथ ड्रॉ करो। जैसे कि वो तो एक समझाने के लिए एग्जाम्पल था, जैसे कि ये ट्रायंगल है और इसके तीन पार्ट्स हैं, सबसे ऊपर टॉप लेवल, मिडल लेवल और ऑपरेशनल लेवल।
अब ध्यान से समझना, सबसे ऊपर टॉप लेवल यहाँ पे, टॉप लेवल के नीचे कौन आएगा? मिडल लेवल, ये टॉप लेवल से नीचे वाली पोस्ट है, ठीक है जी। ऑफ कोर्स मिडल लेवल जो होगा वो टॉप लेवल से छोटा होगा, और इनसे भी जो नीचे आएगा ये हो गया आपका मिडल लेवल, और इनसे भी जो नीचे आएगा दैट इज ऑपरेशनल लेवल, ये हो गया आपका ऑपरेशनल लेवल, जो कि टॉप लेवल सबसे ऊपर, मिडल लेवल उसके नीचे, और ऑपरेशनल लेवल उससे भी नीचे। अब दीदी कौन सी पोस्ट टॉप लेवल की है, कौन सी पोस्ट मिडल लेवल की है, कौन सी पोस्ट ऑपरेशनल लेवल की है, कैसे पता चलेगा? इसका भी एग्जाम्पल है, ये लो एग्जाम्पल। जो कंपनी का सीईओ, देखो जो कंपनी का एमडी है, हाँ जी, जो भी कंपनी का एमडी है, जो भी कंपनी का सीईओ है ना, जो भी कंपनी का ईडी है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स, जिनका पैसा लगा हुआ है, चलो ये भी मैं भी हटा देती हूँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, या किसी कंपनी का प्रेसिडेंट है, ठीक है, या किसी कंपनी का जनरल मैनेजर है, ये सारे लोग अक्सर कौन से लेवल पे रहते हैं? टॉप लेवल पे। ये लोग टॉप लेवल पे काम करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स एमडी, सीईओ, ईडी, प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, ये सब टॉप लेवल पे होते हैं। अगर मैं बात करूं मिडल लेवल की, तो मिडल लेवल पे वो लोग होते हैं, अब जैसे अब मैं फर्ज सुनाती हूँ, मिडल लेवल पे वो लोग होते हैं जिनके पास कोई पर्टिकुलर काम है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेल्स मैनेजर। बताओ जो सेल्स मैनेजर होगा वो कंपनी की तरफ क्या देखेगा? सेल्स। पर जो एमडी होगा, सीईओ होगा, ईडी होगा, प्रेसिडेंट होगा, जनरल मैनेजर, वो कंपनी का सारा काम देखेगा, वो सिर्फ सेल्स नहीं देखेगा, इसलिए वो टॉप लेवल पे है। और मिडल लेवल पे कौन से लोग होते हैं? जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के होते हैं, जैसे सेल्स मैनेजर, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, फर्क समझ जाओगे आप, जिन फाइनेंस मैनेजर, ये जितने भी मैनेजर्स होते हैं ये सारे के सारे फाइनेंस मैनेजर, ये सारे के सारे कौन से लेवल पे होते हैं? मिडल लेवल पे, क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर काम होता है, उससे ज्यादा काम ये लोग नहीं कर सकते हैं, बट जितना काम कंपनी ने दिया है उतना ही काम इनको करना है, क्लियर है? अच्छा, वो जो ऊपर वाले लोग हैं वो कंपनी का सारा काम देखेंगे, है ना, उसमें ऐसा नहीं है कि एमडी सिर्फ सेल्स सीखेगा। एमडी, सीईओ, ईडी, प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, ये वो लोग हैं जो पूरी ओवरऑल कंपनी को देखते हैं, बट मिडल लेवल वाले वो लोग हैं जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को देखते हैं, और ऑपरेशनल लेवल वाले होते हैं सुपरवाइजर्स। सुपरवाइजर्स, इनका काम होता है सिर्फ वर्कर्स को देखना, इन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं मिडल लेवल वाले, और इनका काम बेसिकली किसको देखना होता है? वर्कर्स को, क्योंकि ऑपरेशनल लेवल के भी नीचे जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्कर्स। क्लियर हो रहा है पूरा का पूरा चार्ट? तो बेसिकली क्या है, जैसे ये देखो, बेसिकली क्या है कि टॉप लेवल वाले लोग, मतलब जो सबसे ऊपर है, मिडल लेवल उसके नीचे है, ऑपरेशन लेवल उसके नीचे है, जो लोग सारी ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे दैट इज टॉप लेवल, है ना, उनका कोई पर्टिकुलर काम नहीं है, वो पूरा स्कूल ही देखेंगे, डन। और जो उसके नीचे है, जिनका पर्टिकुलर काम है, जैसे जो मैनेजिंग कमेटी है वो सारे डीपीएस देखेगी या सारे डीएवी देखेगी जो पूरे इंडिया में है, क्योंकि वो मैनेजिंग कमेटी है। लेकिन मिडल लेवल पे प्रिंसिपल सर है, अगर वो हरिद्वार के प्रिंसिपल सर है तो वो सिर्फ हरिद्वार वाला स्कूल देखेंगे मिडल लेवल। जो टीचर्स हैं वो सिर्फ बच्चों को संभालेंगे, दैट इज ऑपरेशनल लेवल, सुपरवाइजर्स। और उसके नीचे आते हैं वर्कर्स, वर्कर्स किसी लेवल पे नहीं आते हैं। तो टॉप लेवल, मिडल लेवल, ऑपरेशनल लेवल, ये तीनों लेवल्स मिलके, ध्यान से सुनना है, ये तीनों लेवल्स मिलके वर्कर्स को मैनेज करेंगे, क्लियर है? द टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल कलेक्टिवली मैनेजेस द वर्कर्स, ये तीनों कलेक्टिवली वर्कर्स को मैनेज करते हैं। टॉप लेवल सबसे बड़े लेवल के लोग होते हैं, जैसे अंबानी इज ऑन टॉप लेवल, ठीक है, वो तो टॉप लेवल का आदमी है ना, और वो थोड़ी वर्कर्स से आके मिलता होगा, वर्कर्स से मिलने का काम किसका होता है? जो ऑपरेशनल लेवल पे बैठा है। अंबानी आगे कभी वर्कर से नहीं मिलता है, क्योंकि अंबानी टॉप लेवल पे है, वो मिडल लेवल वालों को इंस्ट्रक्शंस दे देता है कि जी ये काम करो, फिर मिडल लेवल वाले
ऑपरेशनल लेवल को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और फिर ऑपरेशनल लेवल वाले वर्कर्स को मैनेज करते हैं। और इसी चीज को समझाने के लिए हम आपको एक चीज बड़ा बच्चा समझाते हैं। ये एक चार्ट है, इससे समझने की कोशिश करनी है। ठीक है जी, तीन लाइंस ड्रॉ करूंगी मैं। मेरा टॉपिक है, पहले टॉपिक फंक्शंस ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट के लेवल्स के क्या क्या फंक्शंस हैं? क्या काम टॉप लेवल करता है, क्या काम मिडल लेवल करता है और क्या काम ऑपरेशन लेवल करता है? चलो ठीक है जी, हम एक बॉक्स बना लेते हैं। टॉप लेवल, मिडल लेवल और ऑपरेशन, यहाँ आ गए हमारे नाम। सबसे पहले हम किसके फंक्शंस पढ़ रहे हैं? टॉप लेवल, उसके बाद मिडल लेवल और लास्ट में किसके फंक्शन जाएंगे? ऑपरेशनल लेवल। ठीक है जी, तो तीनों के फंक्शंस को ध्यान से सुनना, टॉप लेवल, मिडल लेवल, ऑपरेशनल लेवल। अब टॉप लेवल का सबसे पहला फंक्शन, टॉप लेवल का सबसे पहला फंक्शन क्या समझाया था कि जो भी लोग टॉप लेवल पे बैठे होते हैं क्या वो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को संभालते हैं? द आंसर इज नो, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को संभालते हैं। तो इनका काम क्या होता है? टू सेट, इनका काम होता है टू सेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, टू सेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, क्योंकि ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट करते हैं, ना कि किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के। अगर मैं मिडल लेवल की बात करूं तो मिडल लेवल का सबसे पहला फंक्शन होता है टू सेट डिपार्टमेंटल गोल्स, क्योंकि ये सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के गोल सेट करते हैं। अगर सेल्स मैनेजर है तो वो सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट के गोल सेट करेगा, अगर फाइनेंस मैनेजर है तो वो सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट के गोल सेट करेगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर प्रिंसिपल हरिद्वार वाले डीपीएस का है तो वो सिर्फ हरिद्वार वाले डीपीएस को मैनेज करेगा, पूरे डीपीएस फ्रेंचाइजी को मैनेज करना उसका काम नहीं है। और अगर मैं ऑपरेशनल लेवल की बात करूं तो ये तो वर्कर्स से रिलेटेड होते हैं, इनका काम होता है सिर्फ वर्कर्स को संभालना। तो ये किसके गोल सेट करते हैं? टू सेट वर्कर्स गोल्स एंड टारगेट्स। जो भी वर्कर्स के गोल्स होंगे, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये सब कौन देखता है? टीचर्स, है ना, ये सब प्रिंसिपल सर नहीं देखते हैं, ना ही मैनेजमेंट कंपनी देखती है। तो इसलिए ना ही मैनेजिंग कमेटी देखती है, ना प्रिंसिपल सर देखते हैं। तो वर्कर्स से रिलेटेड जो भी गोल्स है, जो भी वर्कर्स के गोल्स है, जो भी वर्कर्स के टारगेट्स है, वो देखने का काम ऑपरेशनल लेवल का है। क्लियर है? तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन देखने का काम किसका है? टॉप लेवल। सिर्फ अपना डिपार्टमेंट देखने का काम किसका है? मिडल लेवल। और वर्कर्स को संभालने का काम किसका होता है? ऑपरेशनल लेवल। क्लियर है? चलो अब एक और चीज सुनो, ये लोग प्लान्स को फॉर्म करते हैं, प्लान्स को फॉर्मुलेट करते हैं, मतलब प्लान्स बनाने का काम किसका होता है? टॉप लेवल का। टॉप लेवल का काम होता है प्लान्स को बनाना। ठीक है जी, चलो मैं इसको ऐसे करती हूँ, प्लान्स को फॉर्मुलेट करना इनका काम होता है, फिर प्लान्स को इम्प्लीमेंट कराना, प्लान्स प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं, इंप्लीमेंटेशन, वो मिडल लेवल का काम होता है। टॉप लेवल ने प्लान बना लिया कि ऐसा करना है, ठीक है, मिडल लेवल फिर उसको इंप्लीमेंट करवाएगा कि कैसे करना है, और लास्ट में जो ऑपरेशनल लेवल वाले होते हैं वो प्लान को क्या करते हैं? फॉलोअप, ये प्लान्स को फॉलोअप करते हैं। जैसा जैसा मिडल लेवल कहेगा वैसा वैसा ये करेंगे। क्लियर है? दोबारा सुनो, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कौन सोचेगा? टॉप लेवल। सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के बारे में कौन सोचेगा? मिडल लेवल। वर्कर्स के बारे में कौन सोचेगा? ऑपरेशनल लेवल, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, प्लान्स बनाएगा कौन? टॉप लेवल। उसे लागू कौन करवाएगा? मिडल लेवल। और वो सही से लागू हो रहे हैं कि नहीं, उसको फॉलो चेक कौन करेगा? ऑपरेशनल लेवल।
चलो एक चीज और, कौन किसे इंस्ट्रक्शंस देता है? थर्ड पॉइंट, दे गिव इंस्ट्रक्शंस टू, टॉप लेवल किसे इंस्ट्रक्शंस देता है? मिडल लेवल को, दे गिव इंस्ट्रक्शंस टू मिडल लेवल। अगर मैं मिडल लेवल की बात करूं, बहुत इजी है ये, दे गिव इंस्ट्रक्शंस टू, इनके नीचे कौन है? दे गिव इंस्ट्रक्शंस टू ऑपरेशनल लेवल, ये ऑपरेशनल लेवल को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और अगर हम ऑपरेशनल लेवल की बात करें तो दे गिव इंस्ट्रक्शंस टू वर्कर्स, ये किसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं? वर्कर्स को। तो वो टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, मिडिल लेवल वाले ऑपरेशनल लेवल को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और ऑपरेशनल लेवल वाले वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। प्लान्स बनाता है टॉप लेवल, इंप्लीमेंट करता है मिडिल लेवल, फॉलो अप करता है ऑपरेशनल लेवल। वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन संभालते हैं, वो अपने डिपार्टमेंट संभालते हैं, और वो सिर्फ वर्कर्स को संभालते हैं। क्लियर? और एक लास्ट पॉइंट, जो टॉप लेवल होता है वो लिंक होता है, लास्ट बात, वैसे तो ऊपर से क्लियर है फिर भी, टॉप लेवल जो है वो लिंक है बिटवीन, ये तो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है ना, ध्यान से देखते हैं एक बार स्पॉटलाइट से, ये तो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जिसमें सबसे ऊपर कौन सा लेवल है? टॉप लेवल, उसके नीचे मिडल लेवल, उसके नीचे ऑपरेशनल लेवल, उसके नीचे वर्कर्स। टॉप लेवल के बाहर कौन सा इन्वायरमेंट है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है। तो जो टॉप लेवल होता है, जो टॉप लेवल होता है वो ही लिंक होता है, लिंक बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट। अगर मीडिया से मिलना है या मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो कौन करेगा जाके? टॉप लेवल, है ना? एग्जैक्टली। अगर किसी को मतलब कुछ भी, वैसे है जैसे मान लो कि जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी रिलायंस की, तो देयर विल बी डेफिनेटली मुकेश अंबानी विल बी देयर, नीता अंबानी विल बी देयर, क्योंकि वो कंपनी के कौन से लेवल के लोग हैं? टॉप लेवल। और बाहर वाले लोगों से हमेशा टॉप लेवल बात करता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मीन्स, मैं लिख देती हूँ, That is external. External environment means government. External environment means government. Court में जाना है, कोई केस है, या मीडिया से बात करनी है, एक्सेट्रा। इन सब से बात करने का काम टॉप लेवल का होता है। अगर मैं बात करूं मिडल लेवल की, वो तो आपको वैसे भी चार्ट में दिख रहा है, फिर भी देख लो, मिडल लेवल इज अ लिंक बिटवीन, मिडल लेवल किस किस के बीच में है? टॉप और ऑपरेशनल। तो इट इज ए लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल। लिंक से क्या होता है? उधर की बात इधर और इधर की बात उधर देने का काम इनका है, ठीक है जी। और अगर ऑपरेशनल लेवल की बात करें तो दे आर लिंक बिटवीन दोनों, टॉप और मिडल दोनों उसके ऊपर है, तो लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। क्लियर है? तो इस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है। तीन लेवल पे लोग काम करते हैं, सबसे ऊपर वाले टॉप लेवल, उसके नीचे वाले मिडल लेवल, और उसके नीचे वाले ऑपरेशनल लेवल। डन। चलो जो भी क्वेश्चंस आपने अब तक पढ़े उसका फटाफट से एक रीकैप दो। सबसे पहला मैनेजमेंट का डेफिनेशन, इट इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग वर्क डन बाय अदर्स। फिर मैनेजमेंट के सेवन फीचर्स, फिर आर्ट साइंस एंड प्रोफेशन, जिसमें से मैनेजमेंट फुल फ्लेज आर्ट है, इन प्योर साइंस है, और इन पाथ ऑफ बिकमिंग प्रोफेशन है, और नेक्स्ट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें तीन लेवल्स पे मैनेजमेंट काम करता है, टॉप मिडल ऑपरेशन। जो लोग कंपनी में सबसे ऊपर होते हैं दैट इज टॉप लेवल, ठीक है, जो पूरी कंपनी संभालते हैं, और जो सिर्फ अपना अपना डिपार्टमेंट संभालते हैं दैट इज मिडल लेवल, जो सिर्फ अपना अपना डिपार्टमेंट संभालते हैं दैट इज मिडल लेवल, और जो लोग उसके भी नीचे वर्कर्स को संभालते हैं दैट इज ऑपरेशनल लेवल। तीनों के फंक्शंस पढ़ो, क्लियर हो जाएगा। टॉप लेवल वाले पूरी ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट करते हैं, मिडल लेवल वाले सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के गोल सेट करते हैं, और ये वर्कर्स के गोल सेट करते हैं। ऑपरेशनल लेवल इज द वन हु ओनली बिलोंग्स टू वर्कर्स, ये सिर्फ वर्कर्स को ही देखते हैं, वर्कर्स पे आई रखते हैं, ये प्लान्स फॉर्म करते हैं, ये इंप्लीमेंट करते हैं, ये फॉलो अप करते हैं, ये मिडल लेवल को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये ऑपरेशनल लेवल को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और ये वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। फिर ये लिंक बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल, मिडल लेवल इज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल, एंड ऑपरेशनल लेवल इज अ लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। तो तीन लेवल्स पे मैनेजमेंट किया जाता है, टॉप मिडल एंड ऑपरेशनल। वो पेपर में क्या करेंगे, आपको कोई सी भी पोस्ट देके पूछेंगे कि बताओ ये पोस्ट कौन से लेवल की है। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ सीईओ
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो कौन से लेवल पे काम करता है? अब आप सोचो, क्या सीईओ वर्कर्स को देखता है? नहीं, उन वर्कर्स से रिलेटेड काम तो नहीं करता ना। क्या सीईओ कोई पर्टिकुलर काम लिखा है उसके आगे? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जैसे सेल्स मैनेजर सेल्स देखेगा, परचेज मैनेजर परचेज देखेगा, फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस देखेगा, प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन देखेगा। क्या सीईओ के आगे ऐसा कुछ लिखा है कि वो क्या देखेगा? द आंसर इज नो। मतलब सीईओ पूरी कंपनी को देखेगा, इसलिए सीईओ कौन से लेवल पे होता है? टॉप लेवल। और जिन लोगों की पोस्ट के आगे उनका काम लिखा होता है वो लोग मिडल लेवल पे होते हैं, और जो सुपरवाइजर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स एक ही होते हैं जो वर्कर्स को संभालते हैं, वो लोग ऑपरेशनल लेवल पे होते हैं और सबसे नीचे वर्कर्स होते हैं। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली मैनेज किया जाता है। क्लियर है? चलिए फटाफट से नोट करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लेवल्स क्लियर है आई होप, फीचर्स क्लियर है आपके, फीचर्स क्लियर है, नेचर क्लियर है आर्ट साइंस प्रोफेशन, और लेवल्स पे क्लियर है। लेवल्स हो गए टॉप मिडल ऑपरेशनल, ठीक है जी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट आता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ये आपको बिल्कुल रटा हुआ है, रटवाने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल आता होगा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये क्लास 11th में भी था, और क्लास 11th में ये था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के नाम से। अब ये बन गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट? आप सबको पता है, फिर भी हम एक बार लिख देते हैं। वी हैव 3 ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट के। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल, याद आ गए वर्ड्स, सोशल, और तीसरा हो गया पर्सनल। तो मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दूसरे ऑब्जेक्टिव होते हैं सोशल, और तीसरे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं पर्सनल। पढ़ा था 11th में भी था, ऑर्गेनाइजेशनल सोशल पर्सनल। बिजनेस के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल सोशल पर्सनल। सेम 12th में रिपीट हो गया कि मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल सोशल पर्सनल। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशनल की, एज यूजल कंप्लीटली सेम। ऑर्गेनाइजेशनल में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट, ठीक है जी। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है? प्रॉफिट। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट का मींस होता है कि आप कितना पैसा कमा पा रहे हो। प्रॉफिट की कोई डेफिनेशन नहीं है, प्रॉफिट मींस जो कौन से टर्म्स में होता है? मॉनेटरी टर्म्स में। और हर बिजनेस का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट ही होता है। आपने एक लाइन पढ़ रखी है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज प्रॉफिट। तो सबसे पहले मॉनेटरी टर्म्स में कमाना बिजनेस का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा होता है ग्रोथ। अच्छा जी, व्हाट इज ग्रोथ नाउ? ग्रोथ जो होती है वो हमेशा नंबर्स के टर्म्स में होती है। जैसे वो मॉनेटरी होता है, तो इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ग्रोथ इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ग्रोथ इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जो भी आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, ठीक है जी, या जो भी आपकी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, या जो भी आपकी नंबर ऑफ फर्म्स है, अगर आपका रिवेन्यू बढ़ रहा है तो मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है। और रिवेन्यू बढ़ाना हर मैनेजमेंट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है। हर मैनेजमेंट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट, यानी कि उनका रिवेन्यू बढ़े मॉनेटरी टर्म्स में। दूसरा होता है ग्रोथ, जो कि नंबर्स में होती है, कि जैसे उनके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़े, नंबर ऑफ फर्म्स बढ़े, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़े। जैसे पहले वो लोग सिर्फ फॉर एग्जाम्पल, जैसे अमूल है, तो अमूल पहले सिर्फ आइसक्रीम, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है। अब वो धीरे धीरे बेकरी प्रोडक्ट्स में भी डील कर रहा है, जैसे कि ब्रेड्स हो गए, पिज्जाज हो गए, बिस्किट्स हो गए, तो इन चीजों में भी डील कर रहा है। यानी कि कंपनी की क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ भी बहुत जरूरी है और प्रॉफिट भी बहुत जरूरी है। प्रॉफिट होता है जो आपके एग्जिस्टिंग वेंचर्स है, जो मैं एग्जिस्टिंग कर रही हूँ। जैसे अभी मैं एक इंस्टीट्यूट पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ जिसमें 40 स्टूडेंट्स के बैठने की कैपेसिटी है। अब 40 स्टूडेंट्स के बैठने की कैपेसिटी में मैं जो कमा रही हूँ, दैट इज माई प्रॉफिट, ठीक है। 40 की 40 सीट्स फिल है, और 40 की 40 सीट्स फिल है, और उससे जो भी मैं अर्न कर रही हूँ, दैट इज प्रॉफिट।
ग्रोथ का मतलब है विच इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, कि अगर मेरा एक और इंस्टीट्यूट खुल जाता है, एक और फ्रेंचाइजी खुल जाती है, या मेरे पास 40 से ज्यादा स्टूडेंट आते हैं, मुझे दो बैच बनाने पड़ते हैं, ठीक है जी, तो दिस इज कॉल्ड एज ग्रोथ। नेक्स्ट आता है सर्वाइवल। अच्छा जी, अब नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ग्रोथ एंड सर्वाइवल। प्रॉफिट मींस जो भी आप मॉनेटरी टर्म्स में कमा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। ग्रोथ मींस जो भी आप नंबर्स में कमा रहे हो, जैसे आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। अब व्हाट इज सर्वाइवल। सर्वाइवल मींस कि रेवेन्यू ओवर कॉस्ट, बहुत छोटा सा वर्ड है, समझा देती हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू ओवर कॉस्ट? जो भी आपके खर्चे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट, और जो भी आपकी कमाई है उसे हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। और जब तक आपका रेवेन्यू आपकी कॉस्ट से ऊपर रहेगा, जब तक आपकी कमाई आपके खर्चों से ऊपर रहेगी, उतना लॉन्ग टर्म आप मार्केट में एग्जिस्ट कर पाओ, उतना लॉन्ग टर्म आप मार्केट में एग्जिस्ट कर पाओगे, उतने ही लंबे समय के लिए आप मार्केट में एग्जिस्ट कर पाओगे, और आप इजीली कंपटीशन फेस कर पाओगे, इजीली कंपटीशन फेस कर पाओगे। तो तीन बातें, एज एन ऑर्गेनाइजेशन जब आप मैनेजमेंट करते हो, जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप मैनेजर बन जाओगे, तो आपका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल में हमारे पास तीन है, प्रॉफिट, ग्रोथ, सर्वाइवल। प्रॉफिट मींस जो आप मॉनेटरी टर्म्स में कमा रहे हो, जो भी आप पैसे कमा रहे हो। ग्रोथ मींस कि आप नंबर्स में कितना आगे बढ़ रहे हो, और सर्वाइवल मींस कि कब तक आप मार्केट में टिके हुए हो कंपटीशन के बीच में। और एज अ बिजनेसमैन, एक मैनेजर के ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि उसको प्रॉफिट भी अचीव करनी है, ग्रोथ भी और सर्वाइवल भी। मैं खूब सारा पैसा कमाऊं, प्रॉफिट, मैं आगे बढ़ू, और स्टूडेंट्स आए, और बैचेस बने, और इंस्टीट्यूट खुले, दैट इज ग्रोथ। और मैं कंपटीशन में एग्जिस्ट कर सकू, चाहे मार्केट में कोई भी आ जाए, मेरी एक गुडविल हो और बच्चे मेरे पास ही आए, दैट इज कॉल्ड एज सर्वाइवल। तो एज अ मैनेजर मुझे तीन ऑब्जेक्टिव चाहिए, कौन कौन से, प्रॉफिट, ग्रोथ और सर्वाइवल। लेकिन साथ ही साथ मुझे सोशल ऑब्जेक्टिव भी पूरे करने हैं, यानी कि मुझे सोसाइटी के बारे में भी सोचना है एज अ गुड मैनेजर। ठीक है, एज अ बैड मैनेजर मैं सोसाइटी को नुकसान पहुंचा सकती हूँ, बट एज अ गुड मैनेजर मुझे सोसाइटी के बारे में भी सोचना है। सबसे पहले क्या सोचना है कि मुझे रीजनेबल प्राइस चार्ज करना चाहिए। अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो हमें हर प्रोडक्ट का कैसा प्राइस चार्ज करना चाहिए, रीजनेबल प्राइस, है ना। जैसे कि अगर आप कोई भी चीज है तो एक्स्ट्रा प्राइस पे आप उसको सेल ना करें, रीजनेबल प्राइस चार्ज करो। इसके साथ साथ और क्या क्या अच्छा कर सकते हो, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट बनाइए, गुड क्वालिटी जिसे आप बोलते हो, है ना। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, द प्रोडक्ट विच इज हैविंग गुड क्वालिटी। तो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट बनाइए, गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाइए। इसके अलावा नो एडल्ट्रेशन, अपने प्रोडक्ट्स में किसी भी तरीके की कोई भी मिलावट ना करिए, नो एडल्ट्रेशन, कोई मिलावट मत करो, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ, रीजनेबल प्राइस चार्ज करो, चैरिटीज करो, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारे आपके सोसाइटी, कितने भी लिख सकते हो आप इसमें अपनी मर्जी से, ये सारे आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स है जो आपको सोसाइटी के लिए करने चाहिए। एंड व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स? पर्सनल ऑब्जेक्टिव मींस जो आपको अपने एम्प्लॉइज के बारे में सोचना है, है ना। एम्प्लॉइज आर योर बिगेस्ट एसेट, ऑलवेज रिमेम्बर दैट। एम्प्लॉइज से बढ़कर कोई एसेट नहीं होता है, तो बेटा जी एम्प्लॉइज के बारे में सोचना बहुत जरूरी होता है। अब एम्प्लॉइज के लिए आप क्या कर सकते हो, उन्हें गुड वर्किंग कंडीशंस दो। गुड वर्किंग कंडीशंस के अलावा उन्हें फेयर सैलरी के अलावा उन्हें टाइम फेस्टिवल्स पे बोनस दो, फेयर सैलरी दो, गुड वर्किंग कंडीशंस दो, सैनिटेशन प्रॉपर होना चाहिए, है ना। कभी कभी आपके फीमेल एम्प्लॉयज होते हैं, तो फीमेल एम्प्लॉयज के लिए प्रॉपर वॉशरूम्स होने चाहिए, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, पेड लीव, छुट्टियां तो सबको चाहिए, तो कुछ पेड लीव्स होने चाहिए, कुछ मेडिकल लीव्स होनी चाहिए। ये सारी चीजें आप अपने एम्प्लॉयज के लिए कर सकते हो, क्लियर।
क्लियर है। तो हमारे पास एज अ गुड मैनेजर, इफ आई वॉन्ट टू बी अ गुड मैनेजर, तो मुझे तीन ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल में आई हैव टू अर्न लॉट ऑफ मनी फॉर माई कंपनी, दैट इज प्रॉफिट। आई हैव टू ग्रो देम, मीन्स देयर नंबर ऑफ फर्म, देयर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स शुड बी राइजिंग, दैट इज ग्रोथ। और वो मार्केट में लंबे समय तक टिक सके और कॉम्पिटिशन के आगे टिक सके, दैट इज कॉल्ड एज सर्वाइवल। अगर मैं सोसाइटी के लिए पूछू तो बहुत सारे, सोसाइटी के लिए अच्छा करो, पार्क्स खोलो, लोगों की हेल्प करो, चैरिटीज करो, मिलावट मत करो, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ, रीजनेबल प्राइस चार्ज करो। और अपने एम्प्लॉयज के लिए भी सोचना है, उन्हें गुड वर्किंग कंडीशन देनी है, फेयर सैलरी देनी है, बोनस देना है, प्रॉपर सैनिटेशन, पेड लीव्स, मेडिकल लीव्स, ये सब चीजें आपको करनी चाहिए एज अ गुड मैनेजर, तभी आप एक अच्छे मैनेजर कहलाओगे। तो ये आपके एज बिजनेस मैनेजमेंट के क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव्स। अब फटाफट से 5-6 क्वेश्चंस जो पढ़े उनको फटाफट से रिकॉल कर लो, मैनेजमेंट की डेफिनेशन, फीचर्स, नेचर, लेवल और ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में एक फटाफट से 5 मिनट का रिकैप देके इस चैप्टर को एंड कर देंगे। इसमें एक आधा क्वेश्चन और बचा है, एक आधी वीडियो और फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है जी, टेक केयर।